गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी लोगों का यूनिक कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जो है एप्लीकेशन फॉर एन अर्जेंट वर्क के बारे में पढ़ेंगे। कभी कभी हम लोग एप्लीकेशन जो देते हैं उस एप्लीकेशन में अर्जेंट वर्क माने किसी ज़रूरी काम को लेकर के हम विद्यालय नहीं जा पाते, उसी के लिए हमको यहाँ पे एप्लीकेशन लिखना है। कैसे हम इसको पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे, ये हमको जानना है इसमें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप हेडिंग डाल देंगे कि क्या क्या है एप्लीकेशन फॉर एन अर्जेंट वर्क, या जो भी रहेगा आप उसको एप्लीकेशन वहाँ लिख लीजिए। अगर रियलिटी में अगर आपको देना है तो ऊपर हेडिंग नहीं डालना है, अगर पेपर में आता है तो ऐसे लिख लीजिए। और उसके बाद सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे, टू लिखेंगे। टू के बाद दोस्तों कामा लगाइए, किसको देना है, द क्लास टीचर को, द प्रिंसिपल को, जिसको देना है यहाँ पे आप मेंशन कर लीजिए। फिर दोस्तों उसके नीचे आपके विद्यालय का नाम हो जाएगा, अगर विद्यालय नहीं कोई ऑफिस है तो ऑफिस भी यहाँ पे लिख सकते हैं, या यहाँ क्लास टीचर नहीं रहेगा तो। अब उसके बाद जो है यहाँ प्लेस का नाम, जैसे स्कूल है तो स्कूल का नाम डालिए, फिर नीचे उसके प्लेस का नाम डाल दीजिए। फिर आपका सब्जेक्ट जो रहेगा वो सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट जैसे वन डे के लिए लीव लेना है कि टू डेज़ के लिए लेना है तो आप उसको वहाँ मेंशन कर लीजिए। अब उसके बाद दोस्तों क्या लिखना है आपको, जैसे सर है तो सर, क्लास टीचर, अगर बाय द वे प्रिंसिपल हुई यहाँ पे, अगर कोई मैडम है तो यहाँ मैडम भी आप लिख सकते हैं उसके ऊपर के अकॉर्डिंग। फिर आप लिखेंगे क्या, रिस्पेक्टफुल्ली, रिस्पेक्टफुल्ली आई बेग टू से दैट। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सर के बाद भी आप ज़रूर कामा दीजिएगा, और उसके ठीक नीचे से लिखिए रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई हैव एन अर्जेंट वर्क, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। आई हैव टू गो विथ माई पेरेंट्स, मुझे अपने जो है पेरेंट्स के साथ जाना है। सो आई कैन नॉट अटेंड द क्लास टूडे, इसीलिए कह रहा है कि मैं जो है क्लास को अटेंड नहीं कर सकता। सो आई देयर फॉर रिक्वेस्ट यू काइंडली टू ग्रांट मी लीव फॉर वन डे ओनली। यहाँ दोस्तों जो वन डे ओनली लिखा है तो वन डे के बाद आप यहाँ पे जो है डेट मेंशन कर सकते हैं कि किस डेट को आपको नहीं आना है। अगर वन डे के स्थान पे आपको टू डेज नहीं जाना है तो जहाँ वन डे लिखा हुआ है उसके बाद दोस्तों आपको जो है क्या लिखना है, टू डेज, और ऊपर जो है डेट आप मेंशन कर सकते हैं डेट। तो इसी प्रकार जो है दोस्तों यहाँ लिखेंगे, और नीचे जो है योर ओबीडियंटली प्यूपिल, जैसे नाम जिसका नाम है वो लिख लीजिए, क्लास कौन सा है, रोल नंबर कौन सा है। इस प्रकार दोस्तों हम क्या करेंगे इसमें जो है लिख सकते हैं। सबसे बड़ी ज़रूर चीज़ कैसे कैसे इसमें क्या लिखना है पहले ये समझना ज़रूरी है। जैसे हमने जो टू लिखा, टू के जस्ट साइड में थोड़ा सा देखिए हमने लिखा हुआ है द क्लास टीचर, तो ये ध्यान रहे हमको जिसको लिखना है उसी को यहाँ लिखना है, क्लास टीचर प्रिंसिपल जो भी रहेंगे। फिर नीचे दोस्तों विद्यालय का नाम रहेगा, फिर प्लेस का नाम रहेगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा कि सब्जेक्ट में छुट्टी क्यों मांग रहे हैं हम, किस लिए कितने दिन की छुट्टी मांग रहे हैं। उसके बाद क्या है, सर, उसके बाद ये चीज़ लिख लीजिए। अगर इसमें और भी कुछ कम बेसिक जैसे आपको कुछ करना है तो आप वो भी दोस्तों इसमें लिख सकते हैं। और उसके बाद जब ये पूरा हो जाए तो जो रिक्वेस्ट आप करेंगे वो दूसरे पैराग्राफ में, ऐसा नहीं कि ये वाला पैराग्राफ भी इसी में आ जाए, ये वाला जो पैराग्राफ है आपको ये अलग लिखना ही है। अब दोस्तों नीचे जो योर ओबीडियंटली प्यूपिल मैंने करके लिखा हुआ है, ये भी आप जो है ध्यान रखिएगा कि योर ओबीडियंटली प्यूपिल ही लिखना है आपको। फिर नीचे उसके नाम, फिर उसके बाद नीचे क्लास, फिर रोल नंबर, ऐसे करके आपको क्या करना है दोस्तों, मेंशन करना है। दोस्तों वीडियो को देखते देखते जो है आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आप इसका स्क्रीन शॉट भी ले लीजिए। कॉपी में दोस्तों इसे नोट भी कीजिए और पढ़ने का प्रयास कीजिए। थैंक यू।